चलें ठीक है ठीक है। जी वालेकुम सलाम अजमान भाई, क्या हाल है आपका? वालेकुम सलाम रजा भाई, सब ठीक ठाक हैं? जी वालेकुम सलाम, ठीक हो गया। अच्छा अब तक का बाकी सब कुछ समझ आ रहा है आप लोगों को? आज हम थोड़ा सा कुछ चीज़ें हैं जो पहले वाली रह गई, कुछ चीज़ें रह गई थी तो मैंने कहा कि उनको भी डिस्कस कर लें ताकि जो है ना कहीं से कोई चीज़ मिस ना हो। हम इंशाल्लाह 8:50 पे स्टार्ट करेंगे। जी बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, इन द नेम ऑफ अल्लाह द मोस्ट मर्सीफुल द मोस्ट बेनिफिसेंट। शुरू करते हैं अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान है, रहम करने वाला है। कभी ऑल और रब को मातुक ज़बान देन विच ऑफ द फेवर्स ऑफ योर लॉर्ड विल यू डिनाई। और तुम अपने रब की कौन कौन सी नियमत को जुटलाओगे? शुरू करते हैं अल्लाह के बबरकत नाम से। कोशिश करते हैं कि आज का लेक्चर जो है हम सबको समझ आए। कहाँ कोई जहाँ कोई सवाल हो, कोई भी चीज़ हो, आप लोगों ने मुझे कह देना है। अगर तेज़ बोल रहा हूँ तब भी बता देना है तो हम उसमें वहीं पे स्लो हो जाऊंगा या कोई डिस्कस कर लेंगे। आज हम सबसे पहले करेंगे डिस्कस जी व्हाट इज़ यूआरएल। जब मैं ये शायद पता हो आपको, वो बहुत बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है। जब मैं स्कूल में था तो मेरे एक एग्ज़ाम में मुझसे सवाल किया कि व्हाट इज़ मैट्रिक एग्ज़ाम था आई गेस, सवाल किया जी व्हाट इज़ यूआरएल।
तो मेरा जो है ना, मैं यूनिवर्सल रिसोर्स लोकेटर लिखा आया, वही एक नंबर मेरा कटा था, ठीक है, वरना मेरे कंप्यूटर में हमेशा पूरे नंबर मेरे आते थे। इसका असल जो मतलब है वो यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर है। टिपिकली ये वो एड्रेस है जहाँ पे इंफॉर्मेशन लोकेट होता है। पहले के टाइम पे ये आईपी एड्रेसेस होते थे, जैसे 192.16.18, जैसे कि मैं आपको लिख रहा हूँ 192.168.1.1, इस तरह सर्वर एड्रेसेस होते थे। बट ये इवेंचुअली विद द मॉडर्न वर्ल्ड जो है, इस प्रोसेस को आसान कर दिया गया, लोगों की आसानी के लिए उनको यूआरएल्स का नाम रख दिया गया, ठीक है। यूआरएल होती है जहाँ पे इंफॉर्मेशन लोकेट होती है। जैसे मिसाल के तौर पे एक आर्टिकल है मेरी वेबसाइट पे, तो उसका एड्रेस है स्लैश डिजिटल मार्केटिंग गाइड, ठीक है। ये पूरा है यूआरएल है, ठीक है, ये इसे हम यूआरएल कहते हैं। अच्छा, अगर अब खाली यूआरएल ये भी है, ठीक, और अगर हम लेट से ट्रेनिंग स्लैश एसईओ ट्रेनिंग स्लैश कोर्स, ये भी यूआरएल है, ठीक है। अच्छा, जो ये लास्ट ऑप्शन है, ठीक है, इसके अंदर जो यूआरएल है ये थोड़ा सा ज़्यादा डिवाइडेड करके है, ठीक है, कि एक फोल्डर के अंदर फोल्डर है, फिर उसके अंदर फोल्डर है, इसे हम यूआरएल कहते हैं, ठीक है। जो करेक्टरिस्टिक्स होते हैं यूआरएल के, हमेशा वो ये याद रखने चाहिए कि जो भी यूआरएल है वो एसईओ फ्रेंडली हो। आगे डिस्कस करते हैं इसको एसईओ फ्रेंडली कैसे होता है, बट जनरली ये याद रखें, इजी टू रिमेम्बर होनी चाहिए, इतनी मुश्किल ना बनी हो। जैसे कि मिसाल के तौर पे अगर मेरा यूआरएल है अब ये बताएं कौन सी ज़्यादा आसान है याद रखने के लिए, थर्ड नंबर या फोर्थ नंबर? मुझे पता है कि बहुत सारी चीज़ें आप लोगों को पता भी होंगी, बट स्टिल जो है हम इसको एज ए रिविजन के तौर पे यूज़ करेंगे। जी, थर्ड नंबर। तो हमें पता लगा कि एसईओ। अच्छा, अब चीज़ यहाँ इम्पोर्टेंट क्या है, एज अ मार्केटर जो है ना, हमें एक चीज़ नहीं भूलनी चाहिए, वो ये नहीं भूलनी चाहिए कि हमारा जो कंज्यूमर और विजिटर है वो दुनिया का सुस्त तरीन इंसान है। इससे सुस्त तरीन इंसान आपको दुनिया में और कोई नहीं मिल सकता, वो है आपका कस्टमर और कंज्यूमर और विजिटर, ठीक है। एक छोटा सा टर्म में वैसे समझा देता हूँ, ठीक है, वो ये है कि जनाब कस्टमर और कंज्यूमर, इसमें फ़र्क क्या है, किसी को डिफरेंस पता है कस्टमर और कंज्यूमर में? अच्छा, किसी और को पता है? नहीं, कस्टमर वो होता है नहीं, और कंज्यूमर क्या होता है? कस्टमर और कंज्यूमर में फर्क बता सकते हैं आप रजा भाई? अच्छा, कस्टमर वो होता है जो हमारी चीज यूज कर रहा होता है, ठीक है, हु इज यूजिंग आवर सर्विसेज प्रोडक्ट और प्रोडक्ट और हु हैव यूज्ड इट, ठीक है। कंज्यूमर इज द पर्सन हु इज गोइंग हु हैज नॉट यूज्ड बट ही इज द पोटेंशियल विजिटर हु माइट बाय इट हु माइट बाय आवर प्रोडक्ट और सर्विस। अच्छा, कस्टमर वो है जिसने हमारी प्रोडक्ट यूज कर रहा है, और कंज्यूमर वो है जिसने भी यूज नहीं की बट वो हमारा लाइकली बंदा है जो हमारी प्रोडक्ट ले लेगा, ठीक है, उसे हम कंज्यूमर कहते हैं। हमने अपना प्रोसेस जो है, अच्छा, कस्टमर कंज्यूमर का सिर्फ फर्क एज अ मार्केटिंग टर्म से समझा रहा था मैं। कंज्यूमर वो बंदा है जिसने हमारी प्रोडक्ट यूज नहीं की मगर ही इज मच मोर इंटरेस्टेड, वेरी इंटरेस्टेड है कि यार वो हमारी चीज ले लेगा, वो हमारी चीज बाय कर लेगा, उसे हम कंज्यूमर कहते हैं। कस्टमर वो है जो ऑलरेडी यूज कर रहा है। ये सिर्फ समझा रहा हूँ ताकि आप अगर क्लाइंट्स के साथ डील करें तो आपको ये कॉन्सेप्ट पता हो। हमने
अपना प्रोसेस आसान करना है अपने कस्टमर्स के लिए, ठीक है। लेट से अगर हम फोर्थ यूआरएल के साथ जाते हैं तो ये तो बड़ा मुश्किल है याद रखना, हमारा जो कंज्यूमर है उसको कहाँ याद रहेगी इतनी लंबी यूआरएल, करना याद छोटो बड़ा मिट्टी पर, ठीक है। और यही स्ट्रैटेजी एसईओ और गूगल में भी है कि गूगल ऑल्सो वॉन्ट्स कि आपका जो यूआरएल स्ट्रक्चर है वो एसईओ हो और बड़ा आसान हो जो सब याद रख सकें, ठीक है, ताकि जो है सब जो है उसको ईजीली जहन में तसव्वुर कर सकें। अच्छा, अब गोइंग बैक, इसके वापस आते हैं। अच्छा, इसमें अननेसेसरी वर्ड नहीं होने चाहिए, और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है कि वो केस सेंसिटिव नहीं होना चाहिए। केस सेंसिटिव होना जो है ना बहुत ज़्यादा मसला है। लेट से अगर मेरी यूआरएल है उसका, अगर मेरा इस तरह है कि लेट से मेरा ये टी कैपिटल है, ठीक है, और ये मेरा एस कैपिटल है, ठीक है, और मेरा सी कैपिटल है, ये दुनिया की बहुत बड़ी कन्फ्यूजन हो जाएगी। मैं कहता हूँ या तो सारा ही कैप्स लॉक में हो या सारा ही स्मॉल में हो। मगर आप ये देखेंगे जब हम कैप्स लॉक में लिखते हैं ना इसी को, लेट से अगर हम इसी को कैप्स लॉक में लिखते हैं तो इतना मज़े कर रहते नहीं रीडिंग यार, इट्स लुक लाइक स्पैम लगता है। जैसे मिसाल के तौर पे आपको खुद देखने में मज़ा ही नहीं आएगा, ठीक है। ठीक है, तो आप खुद ही कहेंगे यार हाँ जी इससे इससे बेहतर है ये थर्ड नंबर ऑप्शन, ठीक है। जो ये है ना, जो मैं ये वाली ऑप्शन इसको हाईलाइट कर रहा हूँ, इसमें केस सेंसिटिविटी नहीं है, सेंसिटिविटी नहीं है। जो टी कैपिटल कर दिया, एस कैपिटल कर दिया, सी कैपिटल कर दिया, इससे क्या होगा कंज्यूमर को याद रखते हुए कन्फ्यूजन हो जाएगी, ठीक है। कंज्यूमर को याद ही रहेगा कि वो क्या था, बड़ा था छोटा, तो चक्कर में उससे यूआरएल नहीं टाइप हो गया इन द एवे, और इन द एंड क्या होगा कि हमारा लाइकली प्रोस्पेक्ट जो हमारा जो हमारी प्रोडक्ट की सर्विस बाय कर सकता था वो लूज कर जाएगा, ठीक है। हमें इस चीज़ का बहुत ध्यान रखना पड़ेगा हमारी अपनी यूआरएल स्ट्रैटेजी के अंदर, ठीक है। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब हम आगे आते हैं, एसईओ फ्रेंडली यूआरएल होती कौन सी है। अब आप यहाँ ये देखें, मैं आपको डब्ल्यू पी एडमिन से दिखाता हूँ कि जिसमें हम क्या कहते हैं समझ सकते हैं इसको कि है क्या प्रोसेस जो है ये वाला। ये यूजुअली सेटिंग्स में जाके होता है परमालिंक्स के अंदर, वर्डप्रेस में सेटिंग्स में परमालिंक्स में होता है, ठीक है। अब यहाँ ये आते हैं यूआरएल स्ट्रक्चर्स हैं, ठीक है। मैं आप लोगों को तीन जो है ना रिकमेंड करूँगा कि ऐसे आप कर सकते हैं, ऐसे ये जो डिफॉल्ट वाला है यूआरएल स्ट्रक्चर, इससे बकवास और यूआरएल स्ट्रक्चर है ही कोई नहीं, ठीक है, या आपने नहीं रखना। सेकंड वाला दिस इज़ गुड एक्सेप्टेबल, ये अच्छा है। अच्छा, इसका फ़ायदा भी है नुकसान भी है। अच्छा, अच्छा ये है कि जनाब बहुत डिटेल्ड है, पूरा मंथ भी आता है और ये भी आता है, और जिस अगले वाले में मंथ भी है और नाम भी है, उसमें डेट नहीं है। ये दो अच्छे हैं, मगर इनका माइनस पॉइंट ये है कि जनाब कल को जब आप आर्टिकल या अपडेट करते हैं, लेट से आपने आर्टिकल 2016 में व्हाट इज़ फ्री लांसिंग, अब जब आप 2018 में गए हैं तो उसकी यूआरएल में तो हमेशा वो 2016 की यूआरएल ही आ रही होगी, तो कस्टमर क्या समझेगा यार ये पुराना और आउटडेटेड आर्टिकल है, ठीक है। इसीलिए मैं हमेशा जो है ना, मैं रिकमेंड फर्स्ट पार्टी पर रिकमेंड करता हूँ ये वाला जो पोस्ट नेम है जिसमें बगैर कोई डेट है, बगैर कुछ है, ये है, दिस इज़ द बेस्ट वन जो हमें याद रखना चाहिए, ठीक है। ये अभी एक एंटर हुआ है मोहम्मद दानिश, ये प्लीज कंफर्म करें ये कौन है। नहीं तो मुझे मजबूरन आपको निकालना पड़ेगा ग्रुप से अगर आप कंफर्मेशन नहीं देते। दानिश भाई प्लीज कंफर्म करें ये कौन है, मोहम्मद दानिश किसका है, एड्रेस किसका है। अच्छा, दानिश मुजीद, ठीक हो गया, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे वापस आते हैं। अब हम, मैं पर्सनली तौर पे इस पोस्ट नेम को रिकमेंड करता हूँ कि दिस इज़ द बेस्ट वन, ताकि आप कल को आर्टिकल नया अपडेट भी करें तो जो है ना आपको इसमें मसला ना हो, कंज्यूमर ने समझा आउटडेटेड है। सेकंड जो चीज़ एसईओ फ्रेंडली, एसईओ फ्रेंडली क्या है जनाब, हमारा कीवर्ड भी आ रहा हो, लेट से हमारे पोस्ट का टाइटल क्या है, हम उसके एसईओ फ्रेंडली यूआरएल खुद से बना लेते हैं। किसी की कोई पोस्ट का टाइटल बताए मुझे, कोई पोस्ट का टाइटल बताए, कोई पोस्ट का टाइटल बताए जिसकी हम एसईओ फ्रेंडली यूआरएल बनाएं।
कोई आप लोगों में से को बताएगा? चलें, हमारी लेट से ये है प्राइसेस कट रिंग स्टाइल, ठीक है। अब हमारा जो है ना, लेट से हमारी वेबसाइट का नाम है gohar.com, ठीक है। तो अब हमारी जो है ना एसईओ फ्रेंडली यूआरएल ये है कि हमने हर वर्ड के साथ डैश बना लिख दिया, ठीक है। और जो हमारा टाइटल है हमने इसी के लगते हैं, मगर अगर मेरा टाइटल होता जैसे प्रिंसेस कट रिंग स्टाइल इन 2017, ठीक है, तो हमेशा ये मैं बता दूं कि ये 2017 आपने यूआरएल में नहीं डालना, ताकि अगले साल जब आपका अपडेट हो जाए तो ये ना हो कि आपकी यूआरएल में वही हो तो जनाब सब ये पुराना है। तो इसलिए मैं वो रिकमेंड करता हूँ कि वो ये नहीं आना चाहिए, और इन ये भी नहीं आना चाहिए आपके यूआरएल में, ठीक है। इसके बजाय मेन जो कीवर्ड है वो आ जाए तो ठीक हो गया। गौहर भाई आप क्या कह रहे हैं? अच्छा, चलें ठीक हो गया। वो हमारे इन टू फोर ये वो सब बिल्कुल नहीं आने चाहिए। हमारा ये है ना, ये वाला ऑलरेडी ये बहुत ज़बरदस्त है, इसी तरह का सिंपल सा होना चाहिए जिसमें हमारा यूजुअली कीवर्ड भी हमारा एसईओ फ्रेंडली यूआरएल में आ जाए और कस्टमर को याद भी रख जाए। अच्छा, अब गोहर भाई क्या कह रहे हैं, समटाइम अगर कीवर्ड में 2-4 इसके कोई ड्रमानो वर्ड हो तो वो स्लग में अलाउ नहीं करता है, कहता है कि ये सही नहीं। अच्छी बात है, वो आना भी नहीं चाहिए, 2-4 ये आना भी नहीं चाहिए। मैं भी कह रहा हूँ कि ये नहीं आना चाहिए, 2-4 इसके अलावा स्लग में आना नहीं चाहिए। क्या होता है कि वो बिल्कुल जमान पे भी सही कह रहे हैं कि स्टॉप वर्ड नहीं होनी चाहिए। इससे क्या होता है कि एक तो वो बहुत ज़्यादा लंबी यूआरएल हो जाती है, कस्टमर को याद रखना भी मुश्किल हो जाता है, ठीक है। और एज और फिर गूगल को भी ना एक्चुअली पसंद नहीं इतनी लंबी आप यूआरएल में जाएं। और तो मैं इसलिए भी रिकमेंड करता हूँ कि आप सिंपल हाल ही यही के कहते हैं रखें, ठीक है। अच्छा, कीवर्ड में आ रहा हूँ, कीवर्ड में क्या आएगा? लेट्स से कोई ऐसे कीवर्ड बताएं जिसमें इन टू आ रहा हो और उसकी सर्चे ज्यादा हो। अच्छा, मैं बताता हूँ, आते हैं कुछ ऐसे कीवर्ड मेरे जेन में है, जैसे मिसाल के तौर पे, ठीक है, मिसाल के तौर पे एसईओ अगर ये है ना हेयर स्टाइल फॉर ब्लैक गर्ल्स, ठीक है, अगर इस कीवर्ड पे है ना तो आप इसको डालें, फॉर को डालें, फॉर को आप उसके अंदर यूआरएल में डालें, ठीक है। और अगर ये आपका लॉन्ग टेल कीवर्ड है और इसमें सर्चेज हैं तो आप फॉर को भी डालें, और अगर यूज्ड आपको मसला करता है तो आप यूज को डीएक्टिवेट करें। और आसान तरीका बताता हूँ पोस्ट को एडिट करने का, ठीक है, वो आप लोगों को पता ही होगा, मैं फिर भी एज ए रिविजन कर रहा हूँ, ठीक है, पता ही होगा आपने यूज टू सब कुछ करें, डीएक्टिवेट, लेट से मैं अपनी एक आर्टिकल जो आर्टिकल है पेंडिंग में ड्राफ्ट में उस पर जाता हूँ, ठीक है। तो यहाँ मैंने एडिट करना है, जो मेरा दिल करेगा मैंने रख लेना है, ठीक है। यहाँ पे आप रखें और आप इसको ओके का बटन दबा दें, वो आपका बन जाएगा। आप यूज्ड को डीएक्टिवेट कर देंगे अगर वो तंग कर रहा है तो, ठीक है, यहाँ से आप इसको बना रहे। बट अगेन मैं अगर आपकी उसमें है तो फिर आप डालें, वरना पर्सनल तौर पे आई डू नॉट मैं रिकमेंड नहीं करता, बहुत ज़्यादा लंबी यूआरएल हो जाती, याद ही नहीं रहती, ठीक है। ठीक हो गया, अब हम आगे चलते हैं एक छोटा सा कॉन्सेप्ट की तरफ, अगर यहाँ तो किसी को कोई सवाल है। अच्छा, जमान भाई ऐसा है कि जो स्टॉप वर्ड्स है ना यूजुअली गूगल को पसंद नहीं है, गूगल इतने ज़्यादा पसंद नहीं करता। क्यों नहीं पसंद करता? बिकॉज ये आपका यूआरएल स्ट्रक्चर को बड़ा कर देते हैं, ठीक है। मगर लेट से आप पता है बात क्या है कि अगर आपका कीवर्ड टर्म है एसईओ ट्रेनिंग इन लंदन, ठीक है, और इस कीवर्ड पे लेट से कि 10,000 सर्चेज हैं, ठीक है, तो आपकी यूआरएल में यही होनी चाहिए, ट्रेनिंग इन लंदन में इन आना चाहिए, ठीक है, ये वाला इन आना चाहिए, ठीक है, ये आना चाहिए, इसमें कोई हर्ज नहीं है। मगर लेट से आपका कीवर्ड है
लेट्स से आपके कीवर्ड था प्रिंस कटिंग स्टाइल इन 2017, ये आपका कीवर्ड था, ठीक है, मेन कीवर्ड था आपका ये, ठीक है। इसकी सर्चेज हैं, मगर आपने अपनी यूआरएल को बढ़ाने के लिए इन 2017 फॉर यूएसए, अब इसको अगर लेट से मैंने 2017 फॉर यूएसए ये मैंने कर दिया है, तो अब यहाँ पे ना वो इन करेगा ना वो फॉर करेगा, गूगल को अच्छा ही नहीं लगेगा। क्यों? आपने अपने एक तो यूआरएल स्ट्रक्चर बहुत लंबा कर दिया, और किसकी खातिर किया, किस कीवर्ड को आप टारगेट कर रहे हैं, वो तो आपका है ही नहीं, प्रिंस कटरिंग स्टाइल इन 2015, ये इतना लंबा है ही नहीं। असल गूगल जो वहां पे मसला तब करता है जब आपका यूआरएल बहुत ज्यादा लंबा हो जाए, अब ये हो गया लंबा बहुत ज्यादा, ठीक है, यहाँ पे तंग करेगा। और दूसरी बात है वो कीवर्ड आपका जो है वो हो ही नहीं रहा सर्च, गूगल ऐसे ना ट्रैक करता है कि लेट से अगर हम सर्च कर रहे हैं एसईओ ट्रेनिंग इन लंदन, ठीक है, जब हम ये सर्च करते हैं एसईओ ट्रेनिंग इन लंदन, तो वो देखता है कि क्या आपका जो ये एसईओ कीवर्ड है वो आपके यूआरएल नेम में आता है या नहीं आता, अगर तो वो आता है ना तो वो उसको करेगा, ठीक है। बट पर्सनली तौर पे जो है बट पर्सनली तौर पे आप इसमें जो है कोशिश करें कि इसका यूज कम से कम करें, इसमें मैं आपके साथ पूरा एग्री करता हूँ कि इसका यूज कम से कम हो, ठीक है। हेयर स्टाइल फॉर ब्लैक गर्ल्स में अगर फॉर यूज ना करते करें तो कीवर्ड का कोई खास मीनिंग नहीं बनेगा, तो इसमें आई थिंक लाजमी यूज करना चाहिए, प्लीज करेंगे जी, बिल्कुल यूज करना चाहिए, अच्छा करना चाहिए, ठीक हो गया, बिल्कुल करना चाहिए, ठीक है। अच्छा अब आते हैं, आगे आते हैं, व्हाट आर टेम्परेरी एंड परमानेंट यूआरएल रीडायरेक्ट, ठीक है। अच्छा इसका कॉन्सेप्ट मेरा ख्याल है सबको पता ही होगा, ये कोई बहुत रॉकेट साइंस नहीं है, ये हर एक को भी जो थोड़ा बहुत, मुझे उम्मीद करता हूँ कि सारे एसईओ को थोड़ा बहुत जानते हैं, बट नहीं भी जानते उनके लिए भी डिस्कशन होगी, बट जो जानते हैं उनसे सवाल करते हैं कि कौन सा वाला जो है ना अच्छा होता है रीडायरेक्ट, मैं पूछना चाह रहा हूँ किसी को अगर पता है तो कौन सा अच्छा होता है इसमें से, 301 और 302, ठीक हो गया। अच्छा मैं आपको बताता हूँ, मैं आपको बताता हूँ बेसिकली, ठीक हो गया, रमजान में रीडायरेक्शन इज द प्रोसेस ऑफ फॉरवर्डिंग वन यूआरएल टू अ डिफरेंट यूआरएल, ठीक है, ये एक प्रोसेस है जिसके जरिए हम एक यूआरएल को दूसरी यूआरएल पे ट्रांसफर करते हैं। मैं आपको इसका कॉन्सेप्ट भी समझाता हूँ आसान सा सब कुछ करके, ताकि किसी को कोई मसला ना हो। असल में लेट से कि मैं मेहनत करता रहा हूँ, 5 साल मैंने एक ब्लॉग बनाया है, ठीक है, उसमें मेहनत करता रहा हूँ, उस ब्लॉग का नाम है फिंगर नेल प्रिंट्स डॉट कॉम, ठीक है। अब मैं किसी वजह से मैंने डोमेन नेम चेंज करना पड़ गया है, मुझे नोटिस आ गया है, कोई मसला हो गया है, नाम अच्छा नहीं लग रहा, जैसे प्रो पाकिस्तानी डॉट कॉम एक इतना फेमस ब्लॉग है, उन्होंने शिफ्ट होके वो प्रो पाकिस्तानी डॉट पी के पे चले गए कि जनाब हम पाकिस्तान से ज़्यादा मोहब्बत करने वाले हैं, ठीक है, ये शिफ्ट हो गया। अब क्या इनको करना चाहिए, ये यूज़ करेंगे 301 परमानेंट रीडायरेक्ट, ठीक है। इसका फ़ायदा ये होता है परमानेंट रीडायरेक्ट का कि आपका जो लिंक जूस है वो 90 to 95% ना वहाँ ट्रांसफ़र हो जाता है, ठीक है। अब इससे क्या होगा कि जो मेहनत जो आपकी इसके ऊपर हुई है वही सारा जूस गूगल लिंक जूस इस पे फॉरवर्ड हो जाएगा। लेट से हमने एक एक्सपायर्ड डोमेन पकड़ी है, ठीक है, और इसको हम यूज करते हैं अपना वेब 2.0 का ब्लॉग बनाने के लिए, ठीक है, का ब्लॉग जो हमारी साइट पे लिंक करेगा, ठीक है, जो हमारी साइट पे लिंक करेगा, इस पे हम 301 रीडायरेक्ट लगा के ले सकते हैं, जूस ले सकते हैं, लिंक जूस ले सकते हैं, रैंकिंग जूस ले सकते हैं, गूगल का ट्रस्ट बिल्ड कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि गूगल फिर यही समझेगा। अब जब हमने प्रो पाकिस्तानी डॉट कॉम को प्रो पाकिस्तानी डॉट पी के पे आमिर रता भाई ने जब इसको रीडायरेक्ट कर दिया था, तो अब गूगल समझते कि प्रो पाकिस्तानी डॉट कॉम असल में ये है, ठीक है, तो जो जो लिंक प्रो पाकिस्तानी डॉट कॉम पे था वो सारा के सारा यहाँ प्रो पाकिस्तानी डॉट पी के पे रीडायरेक्ट हो गया, जिस जिस वेबसाइट से जिस जिस जगह से लिंक आ रहा था, तो अप्रोक्सीमेटली 90 to 95% लिंक
यूज़ यहाँ चला गया। इसे हम कहते हैं 301 परमानेंट रीडायरेक्ट। एक होता है 302 टेम्परेरी रीडायरेक्ट, ठीक है, यह 302 टेम्परेरी, ठीक है, ये होता है आरजी तौर पे, ये होता है टेम्परेरी। आप 302 से पहले क्वेश्चन है, इसको लिख लेते हैं, एक्सपायर डोमेन्स टू वेब 2.0 ठीक रहेगी या एक्सपायर डोमेन्स टू मनी। अच्छा, मैं रमजान भाई एक्सपायर डोमेन को अपनी मनी साइट पे रिकमेंड नहीं करता, मैं वेब 2.0 पे रिकमेंड करता हूँ, ठीक है, अनलेस एंड अनटिल आपकी जो है ना बहुत बड़ी लिंक बिल्डिंग प्रोफाइल बनी हो आपके अपने उस मेन डोमेन पे, मैं रिकमेंड ही नहीं करता एक्सपायर डोमेन चलाएं, ठीक है, ठीक है। और यूजली एक और बात ये भी समझने वाली है कि गूगल को भी समझ आ जाता है कि आप स्पैमिंग कर रहे हैं या क्या कर रहे हैं, इसलिए अपनी मेन साइट पे और कभी पंगा नहीं लेना इस तरह का, हमेशा जो है ना सेकेंडरी साइटों पे ले पंगा। अच्छा, ऐसा है कि मैं बहुत सारे लोगों को जानता हूँ जिन्होंने एक्सपायर्ड डोमेन्स को अपनी मनी साइट पे करके कामयाब हुए, ठीक है, मगर इवेंचुअली 3-4 महीने बाद उनको जो है ना नोटिस आ गए, उनकी रैंकिंग सारी नीचे चली गई, ऊपर ही नहीं आ रही, ठीक है, फिर उनको मजबूरन एक और नई डोमेन लेकर रीडायरेक्ट करना पड़ा, उस डोमेन को नज़र लग गई। तो मैंने बहुत सारे केस स्टडीज देखी हैं कि अगर आप एक्सपायर डोमेन्स को अगर आप अपनी मेन डोमेन पे रीडायरेक्ट करते हैं ना तो ये अच्छा एक्सपीरियंस नहीं रहता, ठीक है। तो हमेशा आप अपनी वेब 2.0 या सेकंड टायर या फर्स्ट टायर लिंक्स हो उनके ऊपर आप रीडायरेक्ट करें, ठीक हो गया। अब आता है 302 टेम्परेरी रीडायरेक्ट, ठीक है, टेम्परेरी रीडायरेक्ट जिनको हम कहते हैं आरजी रीडायरेक्ट, ठीक है, ये यूजली होते हैं कि लेट से हम नए सर्वर पर शिफ्ट हो रहे हैं, पर शिफ्ट हो रहे हैं 2 डेज के लिए साइट क्लोज होगी, के लिए साइट क्लोज होगी, ठीक है, ये है 302 टेम्परेरी रीडायरेक्ट इस पेज पे जो आपको बताएगा जनाब कि साइट इज क्लोज फॉर मेंटेनेंस, ठीक है, इसे हम 302 टेम्परेरी रीडायरेक्ट कहते हैं। ये टेम्परेरी सिचुएशंस में करना चाहिए, परमानेंट सिचुएशंस में करना नहीं चाहिए। जैसे लेट से आपकी साइट बंद हो गई है, आप लेट से कि न्यू प्लेटफॉर्म पर अपनी साइट अपडेट कर रहे हैं, पर साइट अपडेट कर रहे हैं, ठीक है, तो ये यूज़ करना चाहिए, ठीक है, वरना नहीं करना चाहिए, ठीक है, वरना नहीं करना चाहिए। अगर एक्सपायर्ड अथॉरिटी वेब 2.0 फाइंड की जाए तो एक्सपायर्ड डोमेन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अच्छा, लेट से, हाँ बिल्कुल ज़रूरत नहीं पड़ेगी, अगर आपने कोई एक्सपायर्ड ही आपको मिल गया, लेट से कोई टम्बलर का एक्सपायर्ड आपको ब्लॉग मिल गया है तो आप उसी के ऊपर शुरू हो जाए, आपको ज़रूरत नहीं है, ठीक है, करने की, वो तो जनरल मैंने बात की है। अच्छा, हम इसका बहुत ज़्यादा देखें ना, हम 301 का रीडायरेक्ट तो हम बहुत जगह पे प्योर कर सकते हैं, जैसे डोमेन चेंज पे कर सकते हैं, URL चेंज पे कर सकते हो, तो मैंने वैसे एक एग्जाम्पल दी थी एक्सपायर डोमेन की भी, तो हाँ जी बिल्कुल, अगर उसकी अच्छी अथॉरिटी है तो कोई ज़रूरत नहीं है करने की, ठीक है। कमिंग बैक 302 रीडायरेक्ट के, टेम्परेरी रीडायरेक्ट के बारे में, तो अगर हम न्यू प्लेटफॉर्म पर साइट अपडेट कर रहे हैं और हमारी साइट ऑफलाइन हुई हुई है तो हम मेंशन करेंगे जनाब हमारी साइट ऑफलाइन है, तो टेम्परेरी तौर पे। अच्छा, गूगल को ही सिग्नल जाता है कि आपका जो लिंक जो सर आपकी मैंने था उस पेज पे नहीं ट्रांसफर करता जिस पेज पे आपने ये लिखा हुआ होता है कि जनाब आवर साइट इज टेम्परेरी अपडेटेड, इज इन अपडेटेड प्रोसेस, ठीक है, इसे हम कहते हैं टेम्परेरी रीडायरेक्ट। समझ आ गया आपको टेम्परेरी रीडायरेक्ट और परमानेंट रीडायरेक्ट। अच्छा, और वैसे पर्सनली तौर पे जो है टेम्परेरी रीडायरेक्ट है, इसको गूगल पर्सनली डू नॉट लाइक, अगर हम उसमें पर्सनल सिचुएशन, लेट्स हम करें, अगर हमारा कोई नेचुरल रीज़न है, जैसे लेट्स हमारा सर्वर अपडेट वगैरह है, ये है, तो फिर कोई इशू नहीं है, फिर आपने कोई डरना नहीं है, वो आप 302 लगाएं आप, ठीक है। मगर अगर आप, चूँकि 302 में कोई हमारा नेगेटिव मतलब नहीं है कि जनाब हमसे कोई स्पेशल चीज़ लेंगे। अब यहाँ पे सवाल आया है रमज़ान का भाई का कि अगर साइट ऑफलाइन हो तो मैं डोमेन पर 302 रीडायरेक्ट करने पर करूँगा, करना पड़ेगा सब आर्टिकल्स पर। अच्छा नहीं, अच्छा 302 रीडायरेक्ट अगर आप लगा देते ना एक reports.txt फाइल पे, ठीक है, txt फाइल पर, तो वो सारे पेजेस ऑटोमेटिकली रीडायरेक्ट हो जाएंगे, ठीक है, सारे पेजेस ऑटोमेटिकली रीडायरेक्ट हो जाएंगे। और वो है कि लेट से आप
किसी और की डोमेन पे या एक और पेज पे फॉरवर्ड कर देते हैं जहाँ पे जनाब आप मेंशन कर देंगे जनाब माय साइट इज टेम्परेली तौर पे ऑफलाइन है, आई एम अपडेटिंग एंड आई एम दिस डूइंग दिस दिस दिस, ठीक है। तो वो एक जगह कोड आप डालेंगे तो वो सब जगह के ऊपर चला जाएगा, सारी पूरी वेबसाइट आपकी रीडायरेक्ट हो जाएगी, ठीक है जी। अच्छा अब आते हैं, कुछ हमारा डिस्कस करना था बैकलिंक टिप्स के बारे में। ये वो चीज़ें हैं जो हम आगे, एक हमारा पूरा लेक्चर है बैकलिंक्स के प्लान के ऊपर, ठीक है। आपने उसे टेंशन नहीं ली, अभी हमने कुछ कंपेटिटर एनालिसिस को भी डिटेल में डिस्कस करना है, बैकलिंक्स प्लान को भी करना है। मगर ये चीज़ थी जो मैं सोच रहा था आप लोगों को बता दूँ कि मैं भूल ना जाऊँ, किसी वक्त भूल ना जाऊँ, ठीक है। अगर डोमेन सेल पर लगाई हो तो भी इसे ही रिडायरेक्ट, तो भी ऐसी रिडायरेक्ट होती है लाइक सीडो पर लैंडिंग पेज आता है सेल का, हाँ जी वो टेम्परेरी रिडायरेक्ट होते हैं वो जी, बिल्कुल यही वाला जी 302 आता है, ठीक है, वो टेम्परेरी रिडायरेक्ट है बिकॉज दिस इज उनकी वो परमानेंट जगह नहीं है ना वो। अब वापस आते हैं हम बैकलिंक स्टेप्स के ऊपर। एक आपको कॉन्सेप्ट बता दूं कि सब डोमेन और सब पेजेस, इसका कोई फर्क पता है आप लोगों को, सब डोमेन और सब पेजेस, डिफरेंस बिटवीन सब डोमेन एंड सब पेजेस ऑफ द वेबसाइट, इसमें फर्क पता है किसी को? अच्छा जमान भाई को भी नहीं पता, चले मैं आप और किसी को पता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये छोटे छोटे इश्यूज हैं जिसके ऊपर हमारी बिल्कुल हमारी जो है ना नॉलेज ऊपर तक होना चाहिए, ठीक हो गया। रमज़ान भाई को पता है, ठीक हो गया, और सब पेजेस की डेफिनेशन। अब लेट से आपके रमज़ान, लेट से हम एक वेबसाइट बनाते हैं, ठीक है, उस वेबसाइट का मतलब है रमज़ान डॉट ABC डॉट CO, ठीक है, ये है सब डोमेन, ठीक है, और सब पेज क्या हो गया गोहर भाई वो आप बताएं। है गोहर भाई सब पेज क्या हुआ? चलिए रिप्लाई नहीं आ रहा तो कोई बात नहीं। जो नेविगेशन में होता है जी, बिल्कुल सही होगा, गोहर भाई ने भी सही कहा, रमज़ान भाई ने भी सही कहा, ठीक हो गया। हम इसके ऊपर जो है ना, अब लेट से ये है, ये हो गया यहाँ पे आ गया यूं, तो ये हो गया सब पेज, ठीक है। अच्छा अब फर्क क्या है, मोस्टली लोग जब लेट से आपने अपना एक फॉरम एक डिस्क, ये बनाते क्यों सब डोमेन है? अच्छा सर ये बनाते क्यों सब? अब जैसे लेट से आप देखते हो कि mail.yahoo.com, ठीक है, ये एक सब डोमेन है, mail.gmail.com, ठीक है, लोग यूजली ना अपने स्ट्रक्चर बेहतर करने के लिए बनाते हैं, ठीक है। और ऐसा भी होता है कि लेट से हमारा ये थोड़ी सी एडवांस सर्वर की बात है कि लेट से मेरा जो gmail.com है ये डोमेन मेरी पॉइंट हो रही है कनाडा के सर्वर पे, ठीक है, और मेरा जो mail.gmail.com है ये मैंने पॉइंट किया हुआ है यूके सर्वर पे, ठीक है। सब डोमेन्स में मेरे पास कंट्रोल इतना होता है, ठीक है। असल में जो सब डोमेन्स का कॉन्सेप्ट शुरू हुआ था ना वो पुराने ज़माने में हुआ था, ठीक है। सब डोमेन्स का कॉन्सेप्ट तब शुरू हुआ था जब लोग ना डोमेन्स अफोर्ड नहीं कर सकते थे, ठीक है, लोग पीपल वर नॉट एबल टू बाय डोमेन्स, ठीक है। तो एक बंदा डोमेन खरीदता था, ठीक है, लेट से एक बंदे ने खरीदी है abc.com, अब सबको कह रहे जी योर नेम डॉट abc.com गेट अ फ्री वेबसाइट ऑनलाइन, ठीक है। पहले पुराने ज़माने में कॉन्सेप्ट यूँ बहुत ज़्यादा फेमस हो गया, जनाब सब डोमेन बनाई जाओ बनाई जाओ बनाई जाओ बनाई जाओ, इस तरह लोगों ने क्या, क्योंकि abc.com की तो प्राइस है, ठीक है, बट वो सब डोमेन तो अपनी वेबसाइट पर जितनी मर्जी बनाए। अच्छा पुराने ज़माने में इसमें भी लिमिट होती थी कि जनाब सर्वर्स पे लिमिट होती, मतलब होस्टिंग कंपनीज लिमिट देती कि जनाब आप 50 सब डोमेन बना सकते, इससे ज़्यादा नहीं बना सकते। अच्छा कंपनीज में हम इसका यूज़ होता है, अभी भी कंपनीज में यूज है। लेट से
एक कंपनी है, उसका नाम है, अब हमारी कंपनी एक है adore.pk, ठीक है। तो हमने यहाँ पे एम्प्लॉयज को हर एक का ना पर्सनल पैनल बनाया हुआ है, ठीक है। एक का है लेट से कि एक एम्प्लॉय मेरा मिसाल के तौर पे जिसका नाम है गोहर, माइंड नहीं करना किसी ने भी, ठीक है, gohar.adore.pk, ठीक है। मैंने एक बनाया हुआ है, एक मैंने zaman.adore.pk बनाया हुआ, ठीक है। एक का नाम है ramzan.adore.pk बनाया हुआ, ठीक है। हर एक को मैंने क्या कहा हुआ है कि आपका सब डोमेन यहाँ पे, आप अपनी फाइल्स एंड डाटा स्टोर कर सकते हैं, ठीक है, स्टोर कर सकते हैं। हर एक को मैंने जो है ना 5-5 GB की ऑनलाइन स्पेस दी हुई है, 5 GB दी हुई है, या लेट्स से 10 GB दी हुई है, ठीक है। अब छाप इसमें यह है कि अगर ये गोहर डॉट अडोर डॉट की अपना अगर ईमेल एड्रेस बनाएगा तो क्या बनाएगा, info@gohar.adore.pk, ठीक है। ये सब डोमेन हो जाती है, ये इतना बड़ा हो जाता है सब डोमेन। अच्छा, अब बताना क्या है कि सब डोमेन और सब पेज, अब इसका फर्क क्या था, फर्क ये बताना था आप लोगों को कि लेट से आपने कोई भी फॉरम लॉन्च किया है, फॉरम का मतलब किसी को पता है, फॉरम का मतलब पता है किसी को, फॉरम, एनीवन नो फॉरम क्या होता है? अच्छा, एक रमजान को पता, बाकी को भी पता चला, जहां डिस्कशन होती है, जहां डिस्कशन होती है, ठीक हो गया, ठीक हो गया, पता हो गया सबको। अच्छा, अब आप बताएं आपने फॉरम लॉन्च करना है तो बेस्ट क्या होगी जगह जहां पे आप फॉरम लॉन्च करें। डोमेन का नाम है abc.co, ठीक है, बेस्ट जगह कौन सी होगी जहां पे फॉरम लॉन्च किया जाए? कौन सा यूआरएल होगा? मोस्टली कंपनीज करती क्या है कि अपना यूं भी यूआरएल बना देती है, forum.abc.co, ठीक है। अच्छा, अब एक तरीका है abc.co/forum का भी। अब मैं आपको बताऊं कि जब आपने forum.abc.co किया है ना, ये स्ट्रेटेजी हमें नहीं करनी चाहिए, ठीक है, ये काटा होना चाहिए, ठीक है, ये है टिक का, ठीक है, यस यस यस। अच्छा, अब लोग, अब अकलमंदी क्या है कि हम abc.co/forum, ये हमारी ओरिजिनल हो प्लेसमेंट, ठीक है, और फॉरम डॉट ए बी सी डॉट सी ओ पे लगा दें 301 रीडायरेक्ट, जो जाता हो abc.co/forum को, क्यों? अब सवाल आता है, ये चीज मैं क्यों कह रहा हूं, तो बताना था यहाँ पे मकसद वो ये है कि जो ramzan.abc.co है, ये गूगल इन दोनों को अलहदा अलहदा समझता है। हाली लेट से कि ये अगर हमारी ये है abc.co, गूगल इन दोनों वेबसाइट्स को अलग अलग समझता है, ramzan.abc और abc.co को अलग समझता है, ठीक है, ठीक हो गया, ये दोनों गूगल समझता है, अलग अलग प्रॉपर्टी है। मैं आपको क्यों रिकमेंड कर रहा हूँ कि आप स्लैश फॉरम पे जाएं, वो इसलिए जाएं ताकि जो बैक लिंक्स हो, जो ट्रस्ट जो abc.co को मिला है, वो फॉरम के पेज पे भी जाए, जो लिंक जो जो ट्रस्ट जाए। जैसे आपने देखा होगा कि विकीपीडिया का पेज फॉरन से नया पेज भी 2 मिनट में रैंक कर जाता है, क्यों? क्योंकि गूगल के साथ एक ट्रस्ट है, एक अथॉरिटी बिल्ड है, वो अथॉरिटी, वो जूस आपके पेज पे नहीं पास होगा अगर आपका यूआरएल होगा सब डोमेन के ऊपर, ठीक हो गया। ये कॉन्सेप्ट समझ हो गया, समझ आ गया? चले, ठीक हो गया। आई थिंक आप लोगों को पता होगा, ये सिर्फ और सिर्फ मैंने सिर्फ इसलिए एक्सप्लेन किया ताकि समझ आना चाहिए कि ये फर्क क्या है, इन चीजों में फर्क क्या है, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं, आज हम थोड़ा सा यूट्यूब के ऑन पेज एसईओ को भी थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, ठीक है। आज बिल्कुल स्लाइड से टच करने, हमने ऐसे टच करके छोड़ देना, ठीक है। वो मैंने देखा हमारी कोर्स आउटलाइन में तो ये नहीं था, बट स्टिल आई फील दिस इज रियली रियली इंपॉर्टेंट चीज, तो ये हम क्यों मिस करें, हम हर किसी भी सूरत मिस नहीं कर सकते ये चीज, ठीक है। अच्छा, अब इससे पीछे जाते हैं, अब यहाँ पे यूट्यूब से पहले सवाल आ गया है, फवाद बेगर जी सब पेजेस एक्सप्लेन करें क्या होते हैं। फवाद भाई, आप ये देखें, ये है सब पेज, ठीक है, जैसे ये मैं आपको दिखा रहा हूँ ना। अब जब ये सब पेज आ जाता है तो ये गूगल समझते हैं कि ये abc.co का हिस्सा है। अगर ramzan.abc हो जाए तो गूगल समझते हैं कि ये दिस इज एन अलहदा प्रॉपर्टी, दिस इज एन अलहदा एसेट, ठीक है।
अब जब हम abc.co/ramzan पर चले जाते हैं तो ये डायरेक्टरी पेज बन जाता है, ठीक है, इसे हम सब पेजेस कहते हैं, ठीक है। आप जो सब पेजेस कह रहे हैं मतलब पेजेस कह दें, ठीक हो गया। वो ये सिर्फ एक सब डोमेन और पेजेस में फ़र्क बताना था कि जनाब ये आपको क्या स्ट्रेटजी बेहतर है लेनी, तो आप वो ये है, ठीक है, आप इसको पर जाएं रिकमेंडेड, ठीक है। अब हम आते हैं YouTube ऑन पेज एसईओ के ऊपर, दोबारा वापस आते हैं, ठीक है। अभी इससे पहले कर किसी का कोई सवाल है तो कर ले, ताकि हम फिर YouTube के बारे में स्लाइड्स आज टचिंग करें। इससे पहले तक कोई सवाल है किसी के पास तो वो कर सकता है, ठीक है, ठीक है। अच्छा, अब हम आते हैं YouTube ऑन पेज एसईओ के बारे में। आज हमने बिल्कुल स्लाइड से टच करना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एक तो मैं आपको एक बात बता दूं, एक मैं आपको बात सिंपल सी मैं आपको बता दूं कि YouTube पे SEO करने का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि जनाब आपने लेट से आपकी रैंकिंग कॉस्ट जो है ना, रैंकिंग कॉस्ट, अच्छा चले मैं आप लोगों को एक चीज़ दिखाऊं, सिर्फ कॉन्सेप्ट समझाने के लिए रिकॉर्डिंग कम करके मैं दिखाता हूँ। इज वेरी वेरी ईजी, यूट्यूब पे रैंक करना दुनिया का आसान तरीन काम है निस्बतन आपके अपने एसेट के, ठीक है। मैं स्ट्रेटजी क्या करता हूँ, मैं ऐसे करता हूँ कि यूट्यूब को रैंक करके उससे लिंक अपनी वेबसाइट पर देता हूँ, अपनी वेबसाइट पर देता हूँ। लेट से आपकी अगर ब्रांड न्यू साइट है उसको एक इजी कीवर्ड पर टॉप 20 पोजीशन में आने में 2 to 3 months लगेंगे, और लेट से आपकी कॉस्ट आई है $400, लेट से आपने लिंक्स बनाए हैं या आपने ओवरली मेहनत की है, उस मेहनत को अगर हम डिवाइड करें या और 30 hours लिंक बिल्डिंग, ठीक है, अगर आपके ये है, ठीक है, तो आप अगर YouTube की वीडियो को रैंक करते हैं, ठीक है, तो आपकी कॉस्ट जो है ना वो आएगी लेट से $80 और 6 hours लिंक बिल्डिंग, ठीक है। फॉर द सेम कीवर्ड आपका फर्क आपके सामने है कि जनाब जो है ना क्या बेटर है, ठीक है। दिखा रहा हूँ सिर्फ ये है कि YouTube को रैंक करना आसान है इस पर अपनी वेबसाइट के, ठीक है। अच्छा रमज़ान भाई, ये चीज़ें तो खैर मैं वो मेरा पर्सनल प्रोजेक्ट है, उसको तो मैं इतना एक्सप्लेन नहीं करूँगा, उसकी अर्निंग वगैरह अर्निंग आ रही है, उससे शुरू हो गई भी है, तो बहुत खाली थी ट्रैफिक उससे अच्छी आ से आना शुरू हो गई भी है, ठीक है। वो वीडियो को भी ट्रैफिक आती है, वीडियो से मेरी वेबसाइट पर जाता है आता है, तो वहाँ से भी ट्रैफिक अच्छी आ से आना शुरू हो गई भी है। अब मेरा तो अल्टीमेट गोल है कि जनाब उससे मैंने अपनी वेबसाइट की रैंकिंग बेहतर करनी है, ठीक है। अब एग्जैक्ट नंबर तो मेरे स्टैट्स भी देखना पड़ेगा यूट्यूब की वीडियोस को, उन अकाउंट्स पे तो मैं आज तक लॉगिन खुद नहीं हुआ, वो मेरे बंदों ने जो है ना वीडियोस बनाई हुई है स्टैट्स के ऊपर, तो मुझे उनका पता नहीं है कि कितना है, बट अच्छी खासी ट्रैफिक जो है ना गुड परसेंट अमाउंट बट आ रही है। लेट्स से कि अगर मेरी यूट्यूब वीडियो पे 500 बंदा आता है ना, तो अराउंड 40 to 50 बंदा वो मेरी वेबसाइट पर भी आ रहा है, ठीक हो गया, उस वीडियो से ना मेरी वेबसाइट, मगर उसको बढ़ाया जा सकता है कैसे कि जी मेरा कॉल टू एक्शन कोई है नहीं, यूट्यूब की वीडियो मैंने कोई एनोटेशन डाला नहीं है, वीडियो के दौरान में क्लिक टू का बटन नहीं डाला हुआ जो मेरी वेबसाइट को जाए, वो सिर्फ मैंने डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया हुआ है बस, इससे ज़्यादा नहीं। अगर वो मैं बढ़ाऊँगा तो जनाब 500 बंदों में से 100-150 बंदा आ सकता है, ठीक है। असल मेरा मकसद वहाँ से ट्रैफिक लेना नहीं है बल्कि रैंकिंग करवाना है, ठीक है। लोगों का होता है, ट्रैफिक भी होता है, हर एक का अपना एक स्ट्रैटेजी है, बट मैं आपको वैसे बता रहा हूँ ये, ठीक है। आपके लिए कॉन्सेप्ट ये है कि जनाब वीडियो को रैंक करते हैं तो आपकी कॉस्ट जो है ना बहुत कम आती है यूट्यूब को, और हमारा जो है ना हमने अपने कंपेटिटर्स खुद बनाने हैं, ठीक है। एक मैं आपको SEO स्ट्रैटेजी, अभी मैं बैकलिंक स्ट्रैटेजी प्रॉपरली डिस्कस नहीं कर रहे हम,
तो हम इसलिए इसको ज़्यादा डिस्कस में नहीं जाएंगे, बट मैं आपको एक बात बता दूँ, हमने अपने कंपेटिटर खुद बनाने हैं, नहीं तो मार्केट आपकी कंपेटिटर आपको बना देगी, ठीक है। हमने अपने कंपेटिटर खुद बनाने हैं, ठीक है। पुराने ज़माने में ना, आज से अगर हम 10 साल पहले चले जाएँ ना, तो हम क्या करते थे कि 10 पोजिशंस में ना, लेट्स से मेरी एक वेबसाइट है, यही आ रही है जनाब, इसी का एक पेज आ रहा है, फिर इसी का दूसरा पेज आ रहा है, लेट्स से कीवर्ड है डिजिटल मार्केटिंग गाइड, ठीक है, ये मेरा कीवर्ड है, ठीक है। फर्स्ट रिजल्ट मेरा, मेरी अपनी डोमेन आ रही है, ठीक है, ये फर्स्ट स्पॉट है, ठीक है, फर्स्ट पोजिशन aliyah.co/digital-marketing, जो मेरी कैटेगरी पेज है वो मेरी सेकंड पोजीशन है, ठीक है, और /digital-marketing-start-your-guide ये मेरी थर्ड पोजीशन है। तो पुराने जमाने में तो टॉप पोजीशन खुद ही ली होती थी हम लोगों ने, ठीक है, एक ही बंदे ने ली हुई है, 3 पोजीशन ली हुई है, मेन ट्रैफिक वही लेकर जा रहा है, ठीक है। बट नाउ विद एडवांसमेंट गूगल हैव डन, तो अब क्या है कि एक ही डोमेन को एक पेज मिलता है, एक पोजीशन मिलती है, एक से ज़्यादा पोजीशन मिलती ही नहीं है, ठीक है, ठीक हो गया। पहले ऐसा होता था कि एक ही डोमेन के मल्टीपल पेजेस जो है ना, एक ही कीवर्ड पे फर्स्ट पेज पे रैंक कर रहे हैं, ठीक है, आप लोगों ने ये चीज़ देखी हुई है, क्योंकि ये चीज़ पुरानी है, थोड़ी सी पुरानी है, ठीक है। अच्छा, अब इवेंचुअली जो है ना, गूगल के अपडेट हो गए, अपडेट्स इतनी आई हैं कि अब ना वो एक डोमेन को एक पोजीशन देते हैं, ठीक है। अब मार्केट को विन करने का तरीका क्या है, बहुत कम के होते होंगे, रमजान भाई, नहीं तो नहीं होता, ये नहीं होता, अब नहीं होता। अच्छा, मार्केट को विन करने का तरीका क्या है, मार्केट विन करने का तरीका है कि 10 पोजीशंस हमारी अपनी हो, 10 पोजीशन हमारी अपनी हो, ठीक है। अब वो कैसे होंगी, लेट से जनाब मैं डिजिटल मार्केटिंग गाइड पे एक मेरा जो है ना आर्टिकल, ये जो है ये मेरा आ रहा है, ठीक है, पेज वन के ऊपर जनाब पोजीशन वन मैंने इसको दी हुई है, ठीक है, पोजीशन टू पे आ जाए लेट से मेरी यूट्यूब की वीडियो, स्लैश वॉच इज इक्वल टू कुछ भी लगा के ABCD कर दो, ठीक है, ठीक है, ये मेरी सेकंड पोजीशन है, ठीक है। ये भी मेरी वेबसाइट को टारगेट कर सकती है, ठीक है, मैंने अपना कंपेटिटर खुद बना दिया, ठीक है। पोजीशन थ्री मैंने क्या करना है, अब ये मेरा ब्लॉग है, ठीक है, इस ब्लॉग का नाम है alireza.co.wordpress.com, ठीक है। ये भी क्या कर रहा है, ये इस वेबसाइट पे जाएं, ये इस वीडियो पे जाएं, तो ये हर दोनों कहाँ लेके जा रहे हैं, मेरे लेके उसी पे जा रहे हैं, ठीक है। मगर मैंने क्या किया है कि मैंने अपने कंपेटिटर खुद बना लिए, ठीक है। अब ये तीनों साइटें पेज वन की पोजीशन के लिए फाइट कर रही हैं, ठीक है, मगर चूंकि ये जो दूसरी पोजीशन टू और पोजीशन थ्री की वेबसाइट है, ये खुद पोजीशन वन की वेबसाइट को लिंक करती है, तो पोजीशन वन को बहुत ऊपर ले जाती है, ठीक है। तो दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, ये कॉन्सेप्ट, ये क्या है कि जी मार्केट विन कॉन्सेप्ट है कि जनाब हमारा गोल हाली ये नहीं है कि हमने अपनी वेबसाइट को ऊपर लेके आना है, बल्कि हमारा अल्टीमेट गोल ये भी है कि हम जिन पेजेस के जरिए अपने लिंक्स बनवा रहे हैं, हमने उनको भी टॉप पे लाना है, ठीक है, ताकि असी बैठे तगड़े बैठे ऐसी हमारा को मुकाबला ना कर सके, ठीक हो गया। ये कॉन्सेप्ट समझ आया ये नहीं, बिकॉज ये आज हमारा बेसिक टच है, ये हम अभी बैकलिंक्स बिल्डिंग प्लान अभी हम डिस्कस नहीं कर रहे, हम उसमें ज़रा इसको डिटेल में करेंगे, बट फॉर द टाइम बीइंग ये कॉन्सेप्ट समझ आया आप लोगों को, ठीक हो गया, चलें, ठीक है, ठीक। अच्छा, हम वापस आते हैं YouTube के ऑन पेज SEO की तरफ, ठीक है। वीडियो का फाइल नेम, लेट से मेरी फाइल नेम है, इसका मैंने नाम ही रखा क्या, डिजिटल मार्केटिंग गाइड .mp4, ठीक है, तो इसमें भी मेरा कीवर्ड आना चाहिए, ठीक है। जब भी मैं YouTube की वीडियो बनाऊं,
जी, रमजान भाई बेनिफिट होगा, मगर आपको एक चीज का ख्याल रखना पड़ेगा कि जो 10 एक्सपायर्ड डोमेन है वो इसी नीच की हैं या नहीं है। लेट से आपकी वेबसाइट है हेल्थ की नीच के बारे में और आपने स्पोर्ट्स की एक्सपायर्ड डोमेन उठा के वो रीडायरेक्ट कर दी है तो उसका आपको फायदा नहीं होगा, मगर अगर आपकी इसी फील्ड की है तो उसका आपको फायदा होगा। ठीक है रमजान भाई, और मैं पर्सनली तौर पे जो है ना साथ रिकमेंड करता हूँ कि आप अपनी ऐसी डाइवर्सिफिकेशन स्ट्रेटेजी बनाएं जिसमें आप यूट्यूब पे दो चार सोशल बुक मार्केटिंग भी ले लें, दो चार सोशल सिग्नल भी ले लें, एक आधा वेब 2.0 भी बना दें तो डाइवर्सिफाई हो जाए, तो मैं कहता हूँ ज़रा सेफ हो जाता है, बट ऐसे भी सेफ है। ठीक है, अच्छा डोमेन यार ज़्यादा यूज़ करने से ज़्यादा मसला नहीं होगा मैं आपको बता रहा हूँ, मगर आप डाइवर्सिफाई करेंगे ना तो वो बहुत अच्छा हो जाएगा। ठीक है, यूट्यूब के आमतौर पे जो है ना इतनी आसानी से नहीं नीचे जाती बात, यूट्यूब के ऊपर आपको वो पॉजिटिव ही मिलता है। आप लेट से गूगल यूट्यूब को तो ब्लैकलिस्ट ही ना करेगा, गूगल ये तो नहीं कर जनाब यूट्यूब को पेज को यूट्यूब डोमेन को ब्लैकलिस्ट कर देगा, जनाब इससे बकवास चीज़ें आती हैं तो उसको तो पीछे करें। ठीक है, बट आप क्या करें कि आप ना फॉर द सेफ साइड होने के लिए साथ साथ आप थोड़े थोड़े लिंक्स बाकी जगहों से भी ले लें। ठीक है, क्योंकि ये आपके रैंक तो हो जाएगी, स्टे करते हुए थोड़ा सा प्रॉब्लम कर सकती है कि स्टे करने में ना ये थोड़ा सा प्रॉब्लम करेंगे, हाल ही अगर आपकी 10 एक्सपायर डोमेन है तो उसके लिए आपको जो है ना करना क्या पड़ेगा, थोड़ी सी डाइवर्सिफाई करना पड़ेगा। वीडियो कैसे उड़ा, वीडियो आपकी उड़ती है कॉपीराइट्स के ऊपर। अच्छा बहरहाल अभी हम बैकलिंक्स प्लान को इतना डिस्कस नहीं कर रहे, हम ऑन पेज एसईओ को डिस्कस कर रहे हैं, हम उसी की तरफ ध्यान रखते हैं अपना कि हम ऑन पेज एसईओ को डिस्कस कर रहे हैं, उसमें हमारा फाइल नेम ये होना चाहिए। ठीक है, हमारे टाइटल हमेशा अट्रैक्टिव होना चाहिए। मैं आपको एक बात बताऊं, अगर आपने यूट्यूब पे आपका आर्टिकल रैंक कर रहा है पेज क्या कहते हैं लेट से 7 पोजीशन पे, 8 पोजीशन पे, अगर आपने नंबर 1 पोजीशन पे आना है तो आपको करना क्या पड़ेगा कि आपका टाइटल अट्रैक्टिव होना चाहिए, तभी आपको मिसाल दे रहा हूँ मैं लेट से कि यार ये एक मेरी वीडियो है। ठीक है, ये नहीं थी हमारी किस्मत, अगर इसका टाइटल अट्रैक्टिव होगा तो क्या होगा कि लोग पहले तो छोड़ के इसी को ज़्यादा क्लिक करेंगे, अगर इसको ज़्यादा क्लिक करेंगे तो गूगल क्या समझेगा यार दिस थिंग नीड्स टू बी ऑन द अप। ठीक है, तो हमारा टाइटल नीड्स टू बी वेरी वेरी अट्रैक्टिव। ठीक है, हमारा टाइटल बहुत अट्रैक्टिव होना चाहिए। यूज नंबर्स, आप नंबर्स भी यूज कर सकते हैं, जैसे मिसाल के तौर पे जो है आज रमीश भाई मसाद है तो नहीं है, ठीक हो गया रमीश भाई मसाद नहीं है, यूज लाइक 6 वेज फवाद रमीज इज़ बेटर देन हमजा। ठीक है, हम ये यूज़ कर सकते हैं ऐसे कि वो ये भी अट्रैक्शन पैदा करता है, बट अगेन आप नंबर्स जहाँ ज़रूरत हो वहाँ पैदा करें, नो कंपलसरी नहीं है, सिर्फ अट्रैक्टिव बनाने के लिए। सिंबल्स यूज़ करते करैक्टरिस्टिक स्पेशल करैक्टर्स यूज़ करें, ठीक है उसको यूज़ करें, सिंबल्स को यूज़ करें। ठीक है, उसके ज़रिए बनाएं अट्रैक्टिवनेस बनाएं टाइटल में, फिर उसके बाद आपके लिए रिमेंबर करें कि 150 वर्ड्स की मिनिमम डिस्क्रिप्शन होनी चाहिए जो कि यूनिक हो, और 300 वर्ड्स 400 वर्ड्स 500 वर्ड्स पे जाए तो बहुत ही अच्छी बात है, बल्कि आप इसको 150 का पे ना इसको मिनिमम 250 वर्ड्स करते हैं। ठीक है, एक कॉल टू एक्शन होना चाहिए और यूआरएल या हो डिस्क्रिप्शन में काफ़ी, एक से ज़्यादा ना कीजिएगा, एक बहुत है। ऐड रेलिवेंट टैग्स हो, रेलिवेंट हो जितने मर्जी ऐड हो जाए कोई मसला नहीं है। ठीक है, बट मिनिमम 3 से 5 बहुत अच्छी बात है, जितने ज़्यादा होंगे उतना अच्छा है, रेलिवेंट जितने मर्जी ज़्यादा हो जाएंगे ठीक हो गया। हाई क्वालिटी वीडियो को गूगल प्रेफर करता है, यूट्यूब प्रेफर करता है। अट्रैक्टिव थंबनेल होगा, थंबनेल ये होता है जो इमेज आ रही होती है इसको हम थंबनेल कहते हैं। ठीक है, इस थंबनेल को अट्रैक्टिवनेस होना बहुत ज़रूरी है, जो भी क्या कहते हैं जितना अच्छा अट्रैक्टिव होगा तो उतना आपको फ़ायदा होगा। ठीक है, इसके बाद हम आते हैं इनबाउंड मार्केटिंग। आज हमने सिर्फ यूट्यूब का एक हमने टच करना था, बेसिक टच एक हमने लिया है कि यूट्यूब ऑन पेज एसईओ होती क्या है। ऑन पेज एसईओ बहुत ज़्यादा आसान है। ठीक है, यहाँ पे सवाल है जी यूट्यूब की वीडियो सिर्फ ऑन पेज करने से रैंक हो जाती है या उसके भी बैकलिंक्स बनाने पड़ते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा सोशल सिग्नल। जी बिल्कुल देने पड़ते हैं, मगर फ़र्क ये है मैंने आपको देने पड़ते हैं, बैकलिंक्स भी बनाने पड़ते हैं, सोशल सिग्नल भी देने पड़ते हैं, मगर यही कॉन्सेप्ट मैंने आपको भी बताया था रमज़ान भाई के लेट से आपका जो है ना आपकी अपनी मेहनत, अगर 30 आवर्स की आपको लिंक बिल्डिंग अपनी वेबसाइट पे करनी पड़ेगी तो आपको 6 आवर्स की करनी पड़ेगी लिंक बिल्डिंग यूट्यूब पे, या आपकी $80 की कॉस्ट आएगी तो आपको भी वही रिजल्ट मिलेगा जो आपकी वेबसाइट की रैंकिंग में मिलेगा। यूट्यूब की करना कम मेहनत करनी पड़ेगी, कम सिग्नल बिल्ड करने पड़ेंगे इस वजन अपनी वेबसाइट के। ठीक है, मगर मैं आपको बताऊँ कि जो एक्सपायर्ड डोमेन्स हैं दिस कम्स इन द
क्राइटेरिया ऑफ स्पैमिंग, ठीक है, तो जरा देख के आपकी रेलेवेंट डोमेन होनी चाहिए, और एकदम से ना कीजिएगा, एक एक करके कीजिएगा, पहले एक डोमेन लगाई फिर दूसरी लगाई फिर तीसरी लगाई, ऐसा 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 करके, ठीक है, और सारे भाई नेचुरल लिंक्स भी बनाते जाएं, पर वो एक अलग हम बैक लिंक्स में डिस्कस करेंगे कि उसकी बेहतर स्ट्रेटेजी क्या और बन सकती है। आज तो हमारा सिर्फ ऑन पेज था और हम ऑफ पेज भी डिस्कस करने लगे, जो कि भला बहुत गलत बात है, हमें ऑन पेज भी रहना चाहिए, बट स्टिल कोई बात नहीं। अब आते हैं हम इनबाउंड मार्केटिंग की तरफ। इनबाउंड मार्केटिंग, इनबाउंड मार्केटिंग में इतनी बड़ी लंबी चौड़ी जी बिल्कुल, मैंने ऑन कर दी थी रिकॉर्डिंग दोबारा, जब हम वापस आए ना मैंने ऑन कर दी थी रिकॉर्डिंग। थैंक यू आपको रिमाइंड कराने का, अगर आप रिमाइंड करवा दिया करें कहीं मैं बोलना चाहूँ, बट ये है कि वो मैंने जैसे हम वापस आए थे ना मैंने ऑन कर दी थी, मैंने देखा ऑन हो रही है, रिकॉर्डिंग हो रही है, हमारे को मिस नहीं हुआ। अच्छा रमज़ान भाई, जितनी मर्जी डोमेन रीडायरेक्ट करते हैं मगर दिस इज़ नॉट अ गुड प्रैक्टिस, मैं इस प्रैक्टिस से थोड़ा सा हैसिडेट करूँगा, मैं पर्सनली तौर पे रिकमेंड नहीं करूँगा आप ये रीडायरेक्शन पे जाएं, पता नहीं मैं आपको नहीं रिकमेंड करूँगा ये चीज़। आप बजाय उसके अगर बैकलिंक्स बना लेंगे ना तो वो थोड़ा सा, अगर आप टाइम बचाने के चक्कर में जाएंगे ना आप इस चीज़ में, तो गूगल भी ना आपको टाइम बचाने के चक्कर में रैंकिंग से ही आउट ना करते। अच्छा अब वापस आते हैं इनबाउंड मार्केटिंग की तरफ। इनबाउंड मार्केटिंग का आसान तरीन देखें, एक है इनबाउंड मार्केटिंग, एक है आउटबाउंड मार्केटिंग, ठीक है, ये दोनों में फ़र्क क्या है? फ़र्क ये है कि आउटबाउंड मार्केटिंग में आप कस्टमर्स के पास जाते हैं, ठीक है, ठीक है, और इनबाउंड में कस्टमर आपके पास आता है, ठीक है, ठीक हो गया। इट्स ए वेरी बेस्ट वे, इट्स ए वेरी गुड वे, ठीक है। इनबाउंड मार्केटिंग इज समथिंग के जहाँ पे कस्टमर खुद आके कहते हैं सर मुझे आपकी ये चीज़ चाहिए, मुझे आपकी ये चीज़ चाहिए, जैसे लेट से हम दुकानों पे जाते हैं, दुकान में कहते हैं यार मुझे अली रज़ा का शैम्पू दे, ठीक है, ये है इनबाउंड मार्केटिंग। आउटबाउंड मार्केटिंग क्या है कि दुकानदार कहते हैं सर आप ये वाला शैम्पू ट्राई करें, जब दुकानदार कहता है तो आउटबाउंड मार्केटिंग हो जाती है, और कस्टमर आके कहते हैं मुझे ये वाला शैम्पू चाहिए, तो इसे हम कहते हैं इनबाउंड मार्केटिंग कहते हैं, ठीक है। असल में इसको सिर्फ टच करने का मकसद यहाँ पे ये है, बताने का मकसद जो है ना इसके ऊपर ये है कि हमने ऐसी स्ट्रैटेजीज बनानी है, हमारा कंटेंट राइटिंग हमारी ऐसी हमारी सब कुछ ऐसी स्ट्रैटेजी हो कि कस्टमर के दिल में एक तलब पैदा हो कि यार मैंने ये चीज़ लेनी है, ठीक है, मैंने ये चीज़ बाय करनी है, ये मेरी प्रोडक्ट की ज़रूर, ये मेरी ज़िंदगी की ज़रूरत है। एज अ मार्केटर आप उसको रियलाइज़ करवाते हैं कि यार ये चीज़ है आपकी जो प्रोसेस को आसान करेगी, जो आपके टास्क को आसान करेगी, जो आपकी ज़िंदगी को आसान करेगी, जो आपके टाइम में बचत करेगी, जो ये करेगी वो करेगी वो करेगी, ठीक है, ये प्रोसेस को आपको पूरा आसान करेगी। तो ये हमारी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए जब भी आप किसी भी अपना कोई अपनी डोमेन रैंक कर रहे हैं या क्लाइंट की डोमेन रैंक कर रहे हैं, तो आप कंटेंट बनाते हुए हर चीज़ पे इस चीज़ का आपने ध्यान करना है कि आपका कंटेंट आपका इस तरह का हो कि कस्टमर के दिल में नेचुरली क्या चीज़ पैदा हो कि जी सर मुझे इस चीज़ की ज़रूरत है, ये चीज़ नहीं होगी तो मेरा नुकसान होगा। ये एक छोटा सा कॉन्सेप्ट था इनबाउंड मार्केटिंग और आउटबाउंड मार्केटिंग का, ये सिर्फ बताना था, एक डेफिनेशन ही टच करवाना था कि जनाब दिस इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट। आप लोगों से सवाल करता हूँ कि SEO इनबाउंड मार्केटिंग है या आउटबाउंड मार्केटिंग है, कोई बताएगा SEO इनबाउंड मार्केटिंग है या आउटबाउंड मार्केटिंग है? अच्छा इनबाउंड है और जमान पे कह रहे हैं दो। अच्छा ये बताएं कि SEM क्या है, ये इनबाउंड है या आउटबाउंड है? अच्छा ठीक हो गया जी बिल्कुल SEM बिल्कुल आउटबाउंड मार्केटिंग है, बिकॉज आप अपनी प्रोडक्ट्स प्रमोट करते हैं, ऐड चलाते हैं, कस्टमर के दिल में करते हैं, ठीक है। अच्छा जब कस्टमर के दिल में ख्वाहिश पैदा हो जाती है फिर वो जाते दुकानों पे, दुकान पे जाके क्या कहता है कि जी सर मुझे ये चीज़ चाहिए, तो वो फिर इनबाउंड बन जाती है, ठीक है। जब आप एडवर्टाइज कर रहे होते हैं तो वो आउटबाउंड मार्केटिंग हो जाती है, मगर अगर आपकी आउटबाउंड मार्केटिंग की कामयाबी तब है जब उसके दिल में पैदा हो जाए जी सर मुझे ये चीज़ चाहिए, तो वो आपकी बन जाती है
इनबाउंड बन जाती है। और एसईओ बिल्कुल दोनों है, इनबाउंड और आउटबाउंड दोनों का कॉम्बिनेशन है, ठीक है। सिर्फ एक टचिंग थी ये। और क्वेश्चन है, अच्छा यहाँ पे ना एक क्वेश्चन में ना एक बैकलिंक्स के ऊपर वापस आए, ठीक है। मैंने एक चीज़ बतानी थी जो मेरे बैकलिंक से मिसिंग हो गई थी, ठीक है, वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। वो हम इतना ज़्यादा सब डोमेन सब पेजेस पे चले गए कि जनाब दो चीज़ें बाकी रह गई, ठीक है, उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन, बैकलिंक कितनी देर बाद बनाने चाहिए? जमान भाई, बैकलिंक हमें वेबसाइट के लॉन्च होने के 5 ही दिन बाद बना देने चाहिए, बनाना शुरू कर देने चाहिए। स्लोली स्लोली बनाएं, कोई मसला नहीं, 5 दिनों बाद बनाने में कोई मसला नहीं है। एक चीज़ जो बताना मैं भूल गया था वो ये था कि हमेशा याद रखें कि आपकी वेबसाइट का प्लान क्या है। आपने WW से लिंक बनानी है बगैर WW के। ये ना हो कि जनाब लेट से 5 मेरे पास वेबसाइट पे साइट पे लिंक्स आ रहे हैं HTTPS इसके साथ, और 5 साइड लिंक्स आ रहे हैं इसके साथ, ठीक है, थोड़ी सी कंफ्यूजन हो जाएगी, ठीक है। एक तो ये चीज़ हमारी स्ट्रेटजी पहले से डिफाइन होनी चाहिए कि जनाब हमने बैकलिंक्स में एक ही रूल अपने सेट करना है कि आइदर हमें WW के साथ चाहिए, आइदर हमें बगैर WW के चाहिए। एक दफ़ा जब आपको फाइनल हो जाए, लेट से मैंने फाइनल किया जी मेरा बगैर WW के, लेट से मेरा जी HTTPS aliasra.co ये मेरा फाइनल है, ठीक है, ये फाइनल है, ठीक है, तो मैं क्या करूँ, इसको मैं रीडायरेक्ट कर दूं इस पर, ठीक है, ठीक हो गया। अच्छा कोई फर्क नहीं है, WW के साथ जाएं या विदाउट WW जाएं, मर्जी आपकी। एक दफा जो सेट कर दे चेंज ना करें बस, ठीक है। ये आप बता दो, ये चीज़ है कि आगे हम डिस्कस करें, बट मेरा था मैं कहीं भूल ना जाऊँ, ये छोटी सी गलती आप लोग कर देंगे तो आप कहेंगे हमारी साइट रैंक नहीं हो रही, तो जनाब ये ना आपकी आधी मेहनत वेस्ट हो रही है। आधी जगह पे आप विद WW जा रहे हैं और ये जगह पे आप विदाउट WW जा रहे हैं। एक आप फाइनल कर लें और उसके साथ आप चल लें, कोई बेटर नहीं है। स्टार्टिंग में जोन सी आप कहेंगे वो बेटर हो जाएगी, जोन सी आप रखेंगे वो बेटर हो जाएगी, स्टार्टिंग में डिसाइड कर दें, ठीक है। और एक सबसे इंपॉर्टेंट बात जो मैंने बतानी थी, वो ये बतानी थी कि जनाब आपके बैकलिंक्स आर इंपॉर्टेंट, बैकलिंक्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, बट अगर आपके बैकलिंक्स गूगल पे इंडेक्स ही नहीं हुए हुए तो कोई फ़ायदा नहीं। Tier 2, Tier 3 बैकलिंक्स बनाए हुए और अगर इंडेक्स ही नहीं हुए तो कोई फ़ायदा नहीं। तो गूगल के ऊपर बैकलिंक्स के साथ इंडेक्सेशन भी बहुत ज़रूरी है, ठीक है, कि इंडेक्स भी होने चाहिए। आपको अगर लगता है कि अगर बगैर WW के इजी है तो आप वैसे कर लें। मैंने खुद बगैर WW के मोस्टली जगह पे जाता हूँ, ठीक है, मैं तो बगैर WW के रखता हूँ, मगर आपकी अपनी मर्जी है, क्योंकि कस्टमर ज़्यादा WW के साथ टाइप करते हैं। आप पाकिस्तान में भी देख लेंगे किसी ने वेबसाइट याद रखी ना तो लोगों को याद नहीं होता कि यार वो HTTPS क्या था, उसके आगे कॉलन लगाना था और ये लगानी थी, तो ये गलती कर जाते हैं। तो क्या कहते हैं कि जनाब www. साइट का नाम लिखो और एंटर कर दो, ठीक है। लोगों के लिए ये लिखना मुश्किल है, ये याद रखना मुश्किल है, क्योंकि इसमें HTTPS है ना, ये लोगों को ये याद रखना मुश्किल होता है, ठीक है। बट अगेन आपकी अपनी मर्जी है कि आपने जिस मर्जी के साथ जाना है, हर एक के अपने फ़ायदे और नुकसान हैं, ठीक है। मुझसे आपने पूछा, मैं तो कुछ साइटों पर मोस्टली 70-80% साइटों पर बगैर WW के जाता हूँ, मगर इसके एक नुकसान ये भी है कि लोग इस तरह से टाइप करते हैं मोस्टली, ठीक है। आपको सिर्फ रिसर्च बता रहा हूँ मैं, ठीक है, आगे जैसा मर्जी आपका दिल करे वैसे करें, ठीक हो गया, ठीक है। रमजान में को क्या कंफ्यूजन है, अपनी कंफ्यूजन पूछिए और क्लियर करवाएं। रमजान भाई सवाल पूछें, अच्छा लेट से अगर आपकी आपने अगर आपका ये है या ये है,
इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है जी, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ता है कि अगर आप विद WWE जाना चाहते हैं विदाउट WWE, उससे फर्क पड़ता है। ठीक है, अगर आप यू बैकलिंग्स बना रहे हैं कि HTTP भी लगा रहे हो, WWE भी लगा रहे हैं, तो ये WWE, ये दोनों एक ही हैं। ठीक है, ये दोनों एक ही हैं। फर्क है या तो आप इस तरह जाते हैं या इस तरह जाते हैं। ठीक है, या आपके अपने ऊपर है। ठीक हो गया, ये समझ आ गया फर्क। अच्छा, आज का अगर हम अपने रिवीजन करें, ठीक है, आज हमने क्या क्या डिस्कस किया। आज का हमारा लेक्चर जो था ना, छोटा सा लेक्चर था, ठीक है, फिर भी पता नहीं कैसे हो गया, लंबा चला गया, जिसमें हमने URL को डिस्कस किया, करेक्टरिस्टिक्स ऑफ URL को डिस्कस किया, SEO फ्रेंडली क्या क्या होते हैं उसको डिस्कस किया, 301 और 302 URLs को हमने इनको डिस्कस किया कि ये क्या है, रीडायरेक्ट्स जो है, 301 302 रीडायरेक्ट जो है हमने इनको डिस्कस किया। फिर कुछ बैकलिंक्स की टिप्स हमने डिस्कस की, यूट्यूब ऑन पेज SEO को हमने बेसिक्स समझा, और इनबाउंड वर्सेस आउटबाउंड हमने इस कॉन्सेप्ट को समझा कि ये मार्केटिंग का क्या कॉन्सेप्ट है। ठीक है, आज का लेक्चर कैसा रहा बता दीजिएगा, ताकि आप लोगों की सजेशन बेसिस बेस करती हैं आगे के लेक्चर्स के ऊपर। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में कंपेटिटर एनालिसिस को डिस्कस करेंगे और एनालिटिक्स को डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलें, जज़ाकअल्लाह। आप लोगों को, आप लोग अच्छा रिमार्क्स कर देते हैं, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। मैं जो है ना जमान भाई को भेज देता हूँ। जमान भाई का भी बहुत शुक्रिया, बहुत कोऑपरेटिव है कि सबको वीडियोस वगैरह भेज देते हैं, और उसमें जो है ना वेरी कोऑपरेटिव रहे हैं जी। रमज़ान भाई कह रहे हैं ऑन पेज में बहुत सी चीज़ें पता चलें जो नहीं पता थी, वेरी गुड, चलें, ग्लैड टू नो। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें थी, ये भी पता होनी चाहिए थी हमें कि ये क्या क्या है, क्योंकि हमारी स्ट्रैटेजी हमने बनानी है SEO की, और हमने खुद एज़ SEO के तौर पर हमने अपने क्लाइंट्स को या अपनी साइट्स को रैंक करना है, तो हमें चीज़ों का कॉन्सेप्ट का बहुत अच्छे क्लियर से पता होना चाहिए। अगर कोई सवाल हो तो आप लोग ग्रुप पे भी कर सकते हैं। ठीक है जी, अब मैं सेशन को, अगर किसी को क्वेश्चन है तो कर दे, नहीं तो मैं फिर इसको डिस्कनेक्ट करके जो कन्वर्ट करने लगा हूँ रिकॉर्डिंग के लिए, सेव करूँ। यूट्यूब का, यूट्यूब पे हम और गाइड कर देंगे नेक्स्ट, नहीं, हम यूट्यूब के लिए अगली से अगली क्लास में कर देंगे। यूट्यूब पे हम और सेशन रखेंगे, यूट्यूब ऑफ पेज का वाला भी सेशन रखेंगे, तो उसमें एक और दफ़ा डिटेल से कर देंगे। रजा भाई, आपसे प्लीज़ क्वेश्चन है कि जो है ना आप वहाँ पे डाल दें, ग्रुप पे डाल दें यूट्यूब के वाले से, ताकि मेरे भी जेहन में रहेंगे जी, यूट्यूब के वाले से हमने और ज़्यादा ऑन पेज वाले से और डिस्कशन करेंगे। ठीक है, चले रजमान भाई, थैंक यू सो मच, आप बहुत कोऑपरेटिव रहे हैं। रमज़ान रजा भाई, वायरल कैसे करें? देखिए, वायरल तो वायरल ब्लॉगिंग में चला जाता है, यूट्यूब वीडियोस ये तो है अलहदा पूरा कॉन्सेप्ट है। आप वहाँ लिखिए सही, फिर मैं आप उसको देखता हूँ कि अगर हम इसमें हमारे कोर्स में क्या क्या है। ठीक है, चले, बाकी फवाद भाई का भी थैंक यू, इंडेक्सिंग का समझ आया, चले, थैंक यू सो मच। जो आप, जो भी क्वेश्चन हो आप प्लीज़ वहाँ ग्रुप्स पे कर देंगे। यार ये चीज़ें हैं, अगर कोई आपको इस लेक्चर से समझ में नहीं आया तो आप वो सवाल यहाँ पे कर लें, तो वो भी समझा देता हूँ मैं जी। बिल्कुल रजा भाई, हम ब्लॉग्स को भी आगे हम समझ रहे हैं, हमने तो मेहाल काफ़ी हमें समझा है, जो जो SEO के हवाले से होगा वो मैं आप लोगों को समझाऊंगा, जो SEO रिलेटेड होगा ब्लॉग से समझना वो मैं आपको समझाऊंगा, मगर वायरल ब्लॉगिंग तो हमारा कोर्स में नहीं होगा। बाकी जो SEO के हवाले से होगा वो मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आप लोगों को समझाऊँ। चलें, ठीक है, मैं इसको डिस्कनेक्ट कर रहा हूँ।